तो राम राम गाइस। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इविल नन। तो पिछली गेम में जो हमने वैन स्केप किया, तो आज हम करेंगे मेन डोर स्केप। तो चलिए गेम को करते हैं हम स्टार्ट। और हम नानी जी के यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए, लेकिन नानी जी बोल रही हैं कि नहीं पूरा खा के जाइए वरना मारेंगे। और हमें जाना है घर पर ज़रूरी, लेकिन नानी जी जाने नहीं देती। चलिए हम यहाँ से घर पे निकलते हैं, हमने खाना वाना खा लिया है। तो चलिए करते हैं ओपन डोर और देखते हैं कि क्या होता है। ये बगल वाला गेट है, उसी से हमें जाना है। तो कुछ करो ना करो, सबसे पहले एक ही काम करना पड़ता है कि इसमें जो पैनल है वो लगाना है। और ये नानी जी ने हमको देख लिया है और वो ऊपर ही आ गई हैं। लाइक नेवर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम केबल लगाएंगे, नानी जी ए खुल जाए। स्मॉल केबल हमने उठाई है, यहाँ से हम बनाते हैं सुरंग। और सुरंग हमारी बन चुकी है, अब नानी जी का आने का इंतजार है ताकि वो यहाँ से हम यहाँ से निकल जाएं। ये कोई चकमा वकमा नहीं है, क्योंकि उनके सामने से गए हैं तो इसको हम चकमा बोलना नहीं बोलेंगे। और चलिए चलते हैं। नानी जी आ गई हैं, चलिए भागते हैं वरना नानी जी हमारा सर फोड़ देंगी और हमारा रुख मोड़ देंगी। लगता है हाँ इलेक्ट्रिक पैनल लग चुका है, नीचे से करंट देना है। और जो ये ओपन होगी ना ये सटा, यही इसके उस साइड से है गेट। तो चलिए हम ढूंढते हैं कुछ सामान अगर हमको मिल जाए यहाँ पे, देख लेते हैं क्या है। और साउंड हुआ है तो ज़रूर नानी जाएंगे। तो चलिए छुप जाते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नानी जी नहीं, नानी जी शायद चली गई हैं। और रेल डोर, अरे नानी जी तो बिल्कुल डरा ही दिया, पता ही नहीं चला कब में आ गई नानी जी। कुछ बता दीदी, इनविटेशन कार्ड दे देती तो अच्छा लगता। नहीं नहीं आई एम 36 गेम, आई एम गुड, जो भी हो। चलिए आई हैव टू लीव दिस रूम। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे स्कूल में रहना चाहते हैं। चलिए खोलते हैं एक एक करके सारी ये तिजोरियाँ, कुछ मिले। ये बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करिएगा। चलिए अंदर चलते हैं गुप्त में, कॉइन उठाते हैं। इतना इस गेम में जितना खेला नहीं है, उतनी दुगनी चन्नर मिल चुकी है। और चलिए देखते हैं, एक मिनट, शायद आपने नोटिस किया छत पे यहाँ पे कुछ अलग ही सा है, ऐसे शायद किसी रूम में नहीं। तो शायद यहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ झाड़ू, झाड़ू हाँ वो इसीलिए दी जाती है वो झाड़ू, ताकि हम। और ये है वो हमारी नानी जी का उड़न खटोला। तो यही हमारी नानी जी का उड़न खटोला। चलिए उड़न खटोला को हम करते हैं इग्नोर, यहाँ से निकलते हैं, झाड़ू ढूंढते हैं ताकि झाड़ू से हम यहाँ पे निकल जाएं। तो झाड़ू ढूंढने के सिर्फ दो से तीन स्थान है जहाँ पे हमें झाड़ू मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से और दूसरी जगह झाड़ू कहीं जाती नहीं है। दो है ग्राउंड फ्लोर पे और नहीं, दो है ऊपर, एक है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने देख लिया है, यहाँ पे तो नहीं है। नानू जी ने झाड़ू लगा के ऊपर ही रख दी थी। और नानी जी यहाँ पे आ रही हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज अब हमने उनको चकमा दे दिया है। चलिए हो सब ये गिरा देते हैं। नानी जी आ रही हैं, बट आ जाओ नानी जी। हमने साउंड किया, नानी जी आई ऊपर, हम जाएंगे नीचे। यहाँ से हम ढूंढेंगे झाड़ू मिल जाए, क्योंकि झाड़ू अति इम्पोर्टेंट भाई साहब, क्योंकि इसके बिना हम निकल नहीं पाएंगे। चलिए झाड़ू हम देखिए क्या होता है। झाड़ू अभी तक तो हमको झाड़ू नहीं मिली है। नानी जी हैं नहीं है, नानी जी इज एब्सेंट, कोई नहीं।
यहाँ पे मैंने पहले भी देखा तो अभी यहाँ पे कोई पैडलॉक टाइप का है, यहाँ पे कोई नाम लिखा है टीचर जी का। ये टीचर जी आ ही नहीं रही हैं, वो भी नानी ही है हमारी, छोटी वाली नानी। ये हमारी बड़ी नानू है, वो छोटी नानी है। शायद नानी जी है नीचे, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं जनमान। चलिए हम यहाँ पे झाड़ू ढूंढते हैं, मिल जा भैया झाड़ू। झाड़ू हमको मिल चुकी है, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, इसको हम ब्रूम बोलेंगे। वैसे हम और भी रूम में देख लेते हैं कि उस जैसी कोई चीज़ है सिमिलर जो कि छत पे है, बट कोई नहीं है। तुमने साउंड कर दिया है, नानी जाएंगे ऊपर और हम चलते हैं नीचे, आ गए हैं। नानी जी ऊपर ही घूमती रहेंगी, चलिए हम नीचे घूमते हैं। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, शायद टॉयलेट टॉयलेट में कुछ पैसा मिल जाए तो हम देख लेंगे कि वहाँ पर कुछ डिफरेंट था। इस टॉयलेट में भी नहीं है और इस टॉयलेट में भी नहीं है, तो कुछ तो है वहाँ पे, समथिंग एल्स। चलिए अब हम उसी रूम में चलते हैं, ये सामने वाला डोर देख रहे हैं, ऐसी समय भागना है। वो तो अभी जा रहे थे, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्कूटी पे हम चढ़ेंगे तो फिर उठाएंगे। और झाड़ू ने कर लिया हमने सहारा और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और डब्बा, डब्बा मिला है भाई साहब हमको, जैसे डब्बे अभी तो हमने खाया खाया था। नानी जी, नानी जी बड़ा ख्याल रखती हैं हमारा, बहुत ही बड़ा, मतलब कि इतना ख्याल रखती हैं। ये डब्बे का मैं क्या करूँ, खाई तो लिया है अभी तो, खाना खाया है। और नानी जी ने हमें देख लिया था, इसलिए हमको यहाँ से यहाँ पे टाप के आ गए हैं। कोई नहीं, अब हम इस डब्बे का क्या करें भाई साहब, फेंक देते हैं क्या, क्या खोलना है क्या इसमें, शायद खोलना हो। ये खोल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं निकला, ये यहाँ से खोलते हैं अच्छी स्पीड से। दी कुकीज़ बॉक्स हैज़ ओपेंड विथ दी स्मैश। अच्छा कुकीज़ बॉक्स, अच्छा खुल गया है, इसमें ज़रूर पाओ, शायद चाबी मिल जाए। चलिए नानी जी वहाँ पे कुछ छुपा ना ले, नानी जी वहाँ से वो गड़बड़ हो जाए। उठा लें, देखो कुछ चमक रहा है। और नानी जी है जो वहाँ से एब्सेंट, यानी नानी जी ने हमको देख लिया है। नानी जी आ रही हैं ऊपर, बहुत ही बढ़िया नानी जी। नानी जी की है चील की निगाह। कोई बात नहीं, हम यहाँ से कूद जाते हैं। कोई कुछ तो गिरा है। ओ गाइस, हमको मेन डोर की मिल चुकी है, तो चलिए मेन डोर लॉक करते हैं, सॉरी अनलॉक करते हैं। और तो गाइस हमने फाइनली मेन डोर एस्केप कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए राम राम। We'll be right back.